नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन सुबह सुबह जन सुराज ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान हो गया था कि आखिर जन सुराज का रामगढ़ से उम्मीदवार कौन होगा, यानी कि प्रशांत किशोर धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे। पता चल गया था कि रामगढ़ से प्रशांत किशोर का पहलवान कौन होगा और आपने देखा था कि मुहर लगी थी सुशील कुशवाहा के नाम पर। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है सुशील कुशवाहा जी से। सुशील कुशवाहा जी लाइव सिटीज से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं, कौन सा बड़ा बड़ा राज खोल रहे हैं, सबसे पहले आप सुशील कुशवाहा जी को सुनिए। नमस्कार सुशील जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको खूब सारी बधाई देना चाहेंगे कि आपके नाम पर मुहर लग चुकी है। क्या कहिएगा सुशील जी, कैसा महसूस हो रहा है? राजा बनने की जिसकी तैयारी हो जी उसमें माननीय प्रशांत जैसे लीडर का सहयोग हो तो अच्छा तो महसूस होगा ही, गुड फील महसूस हो रहा है। जी तो क्या लगा था कि आपके नाम पर मुहर लगेगी? नहीं, ऐसा है कि जैसा कि हर इंसान को अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि जो भी जिम्मेवारियां मिले उसे निर्वहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो पहली मुलाकात में मैंने जो नेता का बयान सुना, स्टेटमेंट सुना, जो चर्चाएं बातें हुई, तो मैंने कहा कि भाई जो दल का आदेश होगा सर्वमान्य होगा, तो हर आदमी को एक लड़ने का जज्बा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर जरूरत पड़े तो नेता हमारी चुनाव करेंगे। और फिर आपके नाम का चुनाव हो गया। अच्छा जी, सुशील जी, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि लोग अब आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि कितने काबिल हैं आप, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार काबिलियत की बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कितने काबिल हैं सुशील कुशवाहा जी। अपनी मैम काबिलियत की परिभाषा क्या दिया जाए, जी अपने बारे में कहना तो एक तरह से तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि जी हम लोग बिहार के रहने वाले हैं ठीक है। और आप जैसा कि थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो बिहार ये महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ शिक्षा का पैगाम से लेकर के ऋषि मुनियों का पैगाम से लेकर के स्वास्थ्य के लेकर के सब अच्छा रहा यहाँ। तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो चुनाव किया है वो, आपका जन्म कहाँ हुआ सुशील जी? मैं कैमूर का रहने वाला हूँ, मेरा जिला कैमूर हुआ। ठीक है, पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई हमारा यही समझिए कि हम लोग लोकल गांव में रहने वाले लोग रहे, बहुत लंबा सफर नहीं गया, लेकिन मैं पढ़ाई इंटर तक किया ठीक है और बीए हमारा फाइनल था, लेकिन पिताजी एक्सपायर कर गए हमारा, जी, तो उसके बाद समझिए कि वहीं से पढ़ाई अवरुद्ध हो गया, ठीक है। अच्छा, जाते जाते तक वहां तक गाड़ी फंस गया। गाड़ी फंस गई जी, जी। तो उसके बाद राजनीति में कैसे कैसे आ गए सुशील कुशवाहा जी? राजनीति में हमारे बाबा श्री राम बलि सिंह थे और उन्हें उस पहले रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी और त्रिवेणी संघ चला करता था, वो बड़े लीडर थे उन दलों के। तो मैंने देखा कि जैसे कि जो एक घर परिवार अपना होता है और एक घर परिवार में कौन क्या कर रहा है सब लोग देखता है, तो मैंने देखा कि मेरे फैमिली में बाबा जो थे हमारे राम बलि सिंह, उनका बहुत नाम था, वो निकलते थे तो उनको लोग बहुत सम्मान के साथ लोग देखते थे। मैं देखा कि कहीं राजनीति के परिदृश्य पे हम बंद हो रहे हैं, इसलिए मैंने रीड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल 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 जी तो उस समय 1993 में हमें उसका संयोजक बनाया गया, मंडल संयोजक। अच्छा तो मंडल संयोजक पर मैं काम किया, हम लोग नौजवान थे, काम करने के समय में वो आपको माननीय देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी हुए तो जी उस समय आपका मुनिलाल राम यहाँ एमपी का चुनाव लड़े, तो ठीक है। हम लोग यहाँ आए और
बात चर्चाएं हुई तो देखा गया कि भाई राजनीति सबकी जरूरत है, हम लोग देखे पढ़े तो लगा कि हम लोग को भी राजनीति करना चाहिए, तो उसी में हम लोग का राजनीति का ये आ गया। पहला चुनाव, पहला चुनाव कब लड़ा? 2000 में मैं बीएसपी के साथ, भाजपा के साथ काम किया 2000 अच्छा ठीक तक, है। और फिर उसके बाद मैं, सबको आजादी है एमपी बनने का, बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, तो हम लोग रामगढ़ में राजनीति चालू कर दी ठीक है। और अपनी राजनीति को चालू रखा। बीएसपी के कई जिम्मेवार पदों पर हम लोगों ने काम किया और बहन जी ने हमें 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। दम दिखा दिया था, बसपा से लड़े जी और 80,000 वोट हासिल किया। अच्छा, 82 आया था वोट क्या बात है जी। जी। तो समय मिला होता हमें तो हमारा वोट 2 लाख से पार जाता, क्योंकि हमें 18 दिन का ही समय मिला था और 18 दिन का समय अठारह लगता दिन का समय मिला, वक्त ज्यादा मिला होता तो 2 लाख पार जाता। बड़ी दो लाख बात कह रहे हैं आप। 2 लाख से पार जाता है, बड़ी बात नहीं है। 18 दिन में नॉमिनेशन से लेकर के नेता का प्रोग्राम से लेकर सब कुछ करना होता है, बिल्कुल और हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं तो पैसा का प्रबंध भी करना होता है, तो बिल्कुल साथियों ने भी सहयोग किया और हमारे नेता ने भी सहयोग किया। या आपको चंबा होगा कि हमारे नेता ने सहयोग किया, मैं जब मेरा पार्लियामेंट लड़ा तो इसके बल पर मैं चुनाव लड़ा। और हम लोग जब, आपको एक नया बात बताने जा रहे थे, जी बताइए। आपने आपने देखा उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया हुआ था जी 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 2019 में, और तेजस्वी यादव जी ने भी जाकर के बहन जी का पैर छुआ था, बिल्कुल जी वो गठबंधन एकदम फाइनल था ठीक है। और हम गठबंधन के उम्मीदवार थे। नेता का मामला था कि जैसे हमें बक्सर सासाराम, जो हमारा इधर का जो एरिया था सटा हुआ उत्तर प्रदेश का, गोपालगंज पर सीट दिया जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया, क्या मजबूरी रही नहीं रही, लेकिन नेता का आदेश हो गया तो अपने बिल्कुल हिसाब से तो लड़ना होगा। उसमें क्या हो गया, गठबंधन हो या ना हो, जो नेता के साथ आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, आपको जिम्मेवारी के साथ लगन के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल विचारधाराएं नहीं मिल रहे हैं, आप उसे छोड़ दें, कोई बात नहीं, चलेगा, धोखा नहीं देना है। धोखा नहीं देना है, पीठ में खंजर नहीं भोंकना है। अच्छा सुशील जी एक बात बताइए, प्रशांत किशोर तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, साफ कह रहे थे कि इस बार हम फ्रेश कैंडिडेट को मौका देंगे, और आप तो राजनीति में रह चुके हैं, फिर आपको कैसे कैसे प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया? मैडम, जैसा आप हमेशा चर्चाएं करती रहती हैं, जी जी ऐसा नहीं कि आप हमसे नया इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग इसी बीच के रहने वाले लोग हैं और इसी बीच के लोगों को ही सब कुछ करना है। माननीय प्रशांत जी का एक और कहना, एक फोकस है कि जी जी वो आदमी स्वच्छ छवि का होना चाहिए, उसका वो व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, हाँ वो बार बार कहते रहते हैं, तो जी ऐसा कोई नहीं है। यहाँ इसी बीच का आदमी आप देखें, इसी बीच का रहने वाला आदमी, कोई मंत्री अभी आईएएस थे ना वहाँ, जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी ने लड़ा, बिल्कुल आईएएस थे, लेकिन जी लगा कि नहीं हमें भी गवर्नमेंट में आना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाया, दिल्ली में नहीं सरकार बनाया और जगह सरकार बनाया। हमारे नेता ने तमाम लोगों को सरकार में लाया और इनका प्लान रहा कि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस देश की जो लाचारी है, इस देश की जो गरीबी है, इस देश की जो भुखमरी है, उस पर ये लोग काम करेगा, चाहे देश ठीक का कोई भी सामान्य प्रधानमंत्री हो या किसी प्रदेश का सीएम हो। इनको लगा कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं मैं है। इनके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए लोग काम करेगा, लेकिन जी इनकी इनके विचारधाराओं पर किसी ने खरा उतरने का काम नहीं किया। अंततोगत्वा हमारे नेता ने दल जन स्वराज दल बना दल बना करके लिया। दल अच्छा बनाया। सुशील जी एक बात बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर के अब जो दांव हैं वो उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए बेलागंज में विरोध हो गया, तरारी में कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, रामगढ़ में पहले घोषणा होने वाली थी घोषणा को टालना पड़ गया है, दांव उल्टा पड़ रहा है आपके नेता का, है आपको ऐसा लग रहा है? फंसते जा रहे हैं प्रशांत किशोर, नहीं, फंसते जा रहे हैं आप, जनसुराज। आपको आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा जहां जहां विरोधी ना हो हाँ
वहां नेतृत्व की कल्पना ही नहीं किया जा सकती। जहां अच्छा जी ठीक जहां विरोध ना हो, है, बिल्कुल क्योंकि जहां चाहने वाले होते हैं चर्चाएं वहीं होती हैं। अगर बिल्कुल जहां चाहने लाचार लोगों को कौन पूछता है, कोई विवश को पूछता है इस देश में? लेकिन माननीय प्रधान जी ने उनको ढूंढा जो लाचार थे, विवश थे। मैं अपनी बात बता दूं, माननीय प्रधान जी ने मुझे कहा कि आपके 30 साल की जो रिटर्निंग कॉम्बिनेशन है, जो आपने राजनीतिक दल को काम किया है, मैं उसकी भरपाई करूंगा। ऐसा कौन बोलने वाला आज के प्रदेश में? बिल्कुल, मैं उसकी भरपाई करूंगा, यहां तक कह दिया प्रशांत किशोर ने मेरे ही नहीं, जितने जी। भी यहाँ लोग बेबस पड़े हुए हैं बिहार में, और मेरी हाँ जो मेरा जो दल है, मैं जी उनकी उनकी लड़ाई लड़के उनको जो उनका मान सम्मान बचाने के मैं काम करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए सुशील जी, आपको लगता है कि आप कोई कमाल कर पाइएगा रामगढ़ में? आपको मालूम है ना कि वो जगदानंद सिंह का गढ़ है, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, टिक देखिए पाएंगे ना आप? देखिए, 2000 में जब मैंने बीएसपी को ज्वाइन किया ठीक है। तो एक ऊर्जा के साथ ज्वाइन किया था, सर फरोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है देखना है हिंदुस्तान जोर आज मेरे कितना हाथ में है। बाजुए कातिल में है जी। और उस समय वहां का मंत्री और एमएलए माननीय जगदानंद सिंह थे। वहां जब एमएलए और मंत्री थे तो जगदानंद सिंह ही थे वहां रामगढ़ का, और मैंने बीएसपी को ज्वाइन कर करके उनकी उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने का काम किया। हेलो। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं। और 2019 में, 2009 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव श्यामलाल कुशवाहा जी लड़े थे, ठीक है हम्म। मैंने जगतानंद को उस समय भी अपने रामगढ़ से हराने का काम किया। आंकड़ा देख लीजिएगा, मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा आपके पास भी है। बिल्कुल 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 जी 2019 में श्यामलाल कुशवाहा जी को मैंने यहाँ से लीड कराया, रामगढ़ से, जहाँ की मैं राजनीति करता हूँ। अच्छा हाँ, संयोग ऐसा रहा कि अपने यहाँ से वो लीड नहीं कर पाए, जहाँ उनका घर रहा डुमरांव ब्रह्मपुर में उनका घर हुआ, वहां से लीड नहीं कर पाए, तो 4000 वोट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। तो बिल्कुल जी उनके विरोध में हमने काम नहीं किया, लेकिन अपनी जीत के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया। और बहन जी ने 2019 में अंततोगत्वा हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देकर चुनाव लड़ने का काम किया, और आपने देखा कि मैंने जगदानंद सिंह को हराया। वोट कितना था, माननीय मोदी जी का लहर था, जी लेकिन मैं खुद जब 2000 में मैं राजनीति करने के लिए जब खड़ा हुआ, एमपी एमएलए बनने का जब मुझे नशा हुआ, तो मैं दंतोगत्वा 2019 में माननीय जगदानंद सिंह को वहां से हराने का काम किया। और मैं जब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जी मेरी लड़ाई जब बाप से ही है ठीक है। अरे बेटा क्या लड़ेगा मुझसे। जब बाप से लड़ाई है तो बेटे को तो हम पटखनी दे ही देंगे, यही कह रहे हैं ना आप? हम ज्यादा क्या कहेंगे समझने की बात है, बेटा क्या लड़ेगा। अच्छा जो प्रशांत किशोर ने कहा है सुशील जी कि बेटे जो है यानी कि अजीत सिंह जो है वो तीसरे और चौथे स्थान पर रहेंगे, आप इत्तेफाक रखते हैं प्रशांत किशोर से? आपको भी ऐसे ही लगता है कि ऐसा ही होगा प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है, जी? जन स्वराज पार्टी बिल्कुल एक नंबर पर रहेगी। अच्छा नेता ने तो ऐसा कहा कि इनको 3 और 4 पकड़ देंगे, लेकिन हाँ हाँ मैं कह रहा हूं कि जन स्वराज पार्टी हाँ रामगढ़ से चुनाव जीतेगी। रामगढ़ से जीत रही है जन स्वराज, बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ा दावा कर रहे हैं लाइव सिटीज के कैमरे पर दावा नहीं कर रहे मैम, जी। आपको कंफर्म कर रहे हैं कि हम पटना अच्छा में आपके साथ चाय पियेंगे, क्या कहला है, एकदम समझिए कि 23 तारीख को। चलिए 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 बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा। अच्छा ये बताइए कि जीत जाइएगा, जनता आशीर्वाद दे देगी सुशील जी, तो जनता के लिए क्या कीजिएगा, कुछ सोचे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच रखा है। मैं जहाँ काम किया हूँ वहाँ 100 साल का प्लान होता है, अच्छा और माननीय नेता के पास 200 साल का प्लान है, तो जी, अगर हम पर भरोसा किया है तो जरूर कुछ नया होगा। कुछ नया होगा। कितने मतों से जीतिएगा, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कितने मतों से जीतिएगा? इसको छोड़ दीजिए, नया कुछ सुन लीजिए, एक लाइन थोड़ा सा। मैं बिल्कुल बताइए। राम कैमूर में मात्र आज से 50 साल पहले दो कॉलेज था, एक ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़ और पटेल कॉलेज भभुआ। इसके अलावा आज तक यहाँ का एमपी एमएलए मंत्री या सरकार तीसरा कॉलेज कभी खोलने का काम नहीं किया। प्राइवेट लोग जो खोल के अपनी दुकान चला लें वो अलग की बात है, लेकिन जी तीसरा सर गवर्नमेंट ने नहीं खोला, तो मेरा पहला फोकस होगा कि
कि सबसे पहले माननीय प्रधान जी का भी फोकस है कि मैं जब गवर्नमेंट में आऊंगा तो बच्चों को एजुकेशन फ्री करूंगा। तो मेरा पहला फोकस होगा कि मैं चाहे जितना भी मेहनत करे, हमें जितना भी चलना पड़े, देश प्रदेश के लोगों से आग्रह करना पड़े, सीएम से आग्रह करना पड़े, पीएम से आग्रह करना पड़े, तो ठीक मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाऊंगा रामगढ़ में, कैमूर में, है। जो कि यहाँ के तमाम लोग उसमें आ जाके अपनी जो जो देश के लोग, हमारे बिहार के लोग जो देश में जाया करते हैं, वो पूरे देश के लोग कैमूर में, रामगढ़ में, बिहार में आने काम करे। ये मेरा पहला फोकस है। दूसरा ठीक दूसरा एक और फोकस है, यहाँ के जितने भी एमपी एमएलए हुए, एक छोटा सा स्वास्थ्य का मैटर है। आज तक है। मैं आपको बता दें कि यहाँ जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 13-15 का डॉक्टर का जगह है, लेकिन वहाँ 2-3 डॉक्टर बैठता है और छोटी सी मशीन एक है, वो अल्ट्रासाउंड की, उसको लोग नहीं लगा पाया अभी। क्या क्या उम्मीद करते हैं यहाँ की जनप्रतिनिधियों से आप? तो हमारे प्लान पास आज आज प्लान सब कुछ है, हम कुछ सब कुछ है, बस एक मौका चाहिए। आप एक मैं मैम ये भी कहना चाहता हूँ रामगढ़ की भोली भाली जनता से, आपने जी तीनों प्रत्याशियों को देखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ के जगता बाबू को भी देखा, सुधाकर सिंह को भी देखा, उन लोगों को आपने देखा है, माननीय नीतीश कुमार को भी आपने देखा, और तेजस्वी यादव जी को भी देखा, और जी जगदानंद सिंह को देखा, और एक प्रत्याशी हमारे यहाँ पिंटू यादव जी हैं, सतीश जी सतीश यादव, उनका भी चाचा ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं, आपने उनको भी देख लिया होगा। मुझे किसी ने भी प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा। चलिए जी मैं मुझे मेरे पास कम समय है, मात्र 6-7 महीने का समय है। अगर बिल्कुल। उनकी भरपाई, मैं 25-30 साल की भरपाई अगर 6-7 महीने में नहीं कर दिया, तो मैं किसी से फिर दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो फिर आप दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे, दोबारा चुनाव नहीं लड़िएगा? बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ, अच्छा ठीक है। मैं लाइफ से वादा करता हूँ कि मैं जनता के विचारों में अगर खड़ा नहीं उतरा, मैं दोबारा वोट नहीं मांगने जाऊंगा। मुझे एक मौका आप देके देखिए। एक मौका देके देखिए कितने मतों से जीतिएगा, जल्दी से ये भी बता दीजिए, आखिरी सवाल है। मैं वो तो जनता तय करेगी ना। चलिए जनता तय करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका आंकड़ा क्या मेरा कहता है? मेरा तजुर्बा है कि मैं 1 नंबर पर रहूंगा, मैं चुनाव को हर हाल में जीतूंगा चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी बात करने के लिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है रामगढ़ से जन सुराज के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा ने, बड़ी बात कह दी है, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया है, और आपने ये भी देखा है कि लाइव सिटीज के कैमरे पर बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है कि अगर मैंने जो कहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तक कह दिया है कि जन सुराज रामगढ़ जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।